सहकारी समितियों के साथ साथ स्व सहायता समूहों द्वारा भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। धान खरीदी के दौरान अवैध राशि की मांग तथा किसानों को घर से धान भरने के लिए बारदाने एवं टैग उपलब्ध कराने पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन पर इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि ग्राम वीर खाम में पलक स्व सहायता समूह के धान खरीदी प्रभारी प्रवीण मिश्रा द्वारा तौल के एवज में पैसे मांगने का वीडियो मिला था। जांच कराए जाने पर वीडियो सत्य पाया गया। इस संबंध में खरीदी प्रभारी प्रवीण मिश्रा के विरुद्ध सिमरिया थाने में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही पलक स्व सहायता समूह वीर खाम को आगामी वर्षों में उपार्जन के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि दिव्या स्व सहायता समूह उमरी खरीदी केंद्र के संबंध में समूह के कर्मचारी भास्कर चतुर्वेदी द्वारा अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। श्री चतुर्वेदी द्वारा किसानों को शासकीय बारदाने अवैधानिक तरीके से प्रदान किए गए। किसान के घर में ही धान भरकर बारदाने की सिलाई की गई और टैग लगाए गए। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए धान जब्त कर श्री भास्कर चतुर्वेदी के विरुद्ध थाना बैकुंठपुर में FIR दर्ज कराई गई। साथ ही दिव्या स्व सहायता समूह उमरी को आगामी वर्षों में उपार्जन के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया। आइए सुनाते हैं पूरी की गई कार्यवाही और खरीदी को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा है। आज उपार्जन का आखिरी दिन है और अच्छी बात यह है कि जितने भी लोगों ने स्लॉट बुक किया था सभी के अनाज जो है वो खरीदा जा चुका है और हमने जितना भी अनाज का उपार्जन किया है 99% से ज़्यादा अनाज का परिवहन किया जा चुका है। इस बीच में जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उनकी जांच भी पूरी कर ली गई है और दो ऐसी समितियां मिली हैं जिन्होंने उपार्जन के समय अनियमितता की है उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है और दो व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। उपार्जन के अंतर्गत लगभग 800 करोड़ के आसपास का उपार्जन हुआ है और अभी तक हम लोग किसानों के खाते में 500 करोड़ के आसपास की राशि जमा कर चुके हैं। हमारी कोशिश यह है कि आने वाले 15 दिनों के भीतर हम उपार्जन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको क्लोज कर दें, किसानों के खाते में राशि आ जाए। जो सोसाइटी और स्व सहायता समूह इसमें इन्वॉल्व है उनकी भी कमीशन और इसकी राशि भी उसके खाते में जमा करें। सर, क्या लापरवाही थी, कैसी शिकायतें थी इन समितियों के खिलाफ? इन पर अलग अलग शिकायतें थी। एक में समिति के बाहर खरीदी की जा रही थी, एक में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पैसे लेने की शिकायत आई थी। तो जितनी भी शिकायतें आई थी उन सबको हम लोग लगातार जाँच कर रहे थे और फाइनली ये दो समितियाँ ऐसी मिली थी जिसमें कि लापरवाही मिली है और दो व्यक्ति ऐसे मिले हैं। एक में बाहर का अनाज व्यापारी के द्वारा किसानों के नाम पर रोटेट करने की कोशिश की गई थी, उस पूरे अनाज को भी राजसात किया गया है। तो अलग अलग शिकायतें थी और जिसमें भी गलती पाई गई है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई थी।